लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि एंटिटी 606 और उसकी गैंग ने हम लोगों पर हमला कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को शक हो चुका था कि हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को जिंदा करने वाला है उन लोगों को खत्म करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस टाइम हीरो ब्राइन का दोस्त जादूगर वहाँ पे मौजूद था और उसने जैसे तैसे करके हम लोगों को वहाँ से निकाल लिया था, क्योंकि हीरो ब्राइन होश में नहीं था और उस जादूगर ने कैसे भी करके हीरो ब्राइन का दिमाग निकाल के बिल्कुल वैसा एक नकली दिमाग बना लिया था ताकि हम लोग वो नकली दिमाग जीरो ब्राइन के अंदर लगा के उसको जिंदा कर पाए। लेकिन इतने में हीरो ब्राइन का दोबारा से जन्म होता है और वो दोबारा होश में आता है। तो फाइनली गाइस हीरो ब्राइन वापस से जिंदा हो चुका है और उसका भाई जीरो ब्राइन भी। लेकिन गाइस एक बहुत ही बड़ी दुख वाली खबर है जिसकी वजह से बेचारा हीरो ब्राइन बहुत ही दुखी है, अभी आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन गाइस हीरो ब्राइन इतनी गुस्से में है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने हीरो ब्राइन को ये बताया कि जब ये जादूगर तुम्हारा दिमाग निकाल के तुम्हारे भाई जीरो ब्राइन के अंदर लगा रहा था तो तुम उस टाइम होश में नहीं थे और एंटिटी 606 ने मुझे ढूंढ लिया था और उस दरिंदे ने मुझे मारने की कोशिश करी और मुझे डरा के वो सारी सॉर्ड ले गया जो हम लोग मून पे जाके उसकी चुरा के ले आए थे, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। और गाइस मैंने हीरो ब्राइन को ये भी बताया कि वो दरिंदा एंटिटी 606 अपने भाई एंटिटी 303 और नल को लेके मतलब अपनी पूरी गैंग के साथ हम लोगों के घर पर हमला करने आ गया था, क्योंकि उन लोगों को शक हो चुका था कि हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को जिंदा कर रहा है उन लोगों से बदला लेने के लिए। और इसीलिए उन दरिंदों ने हमारे पूरे घर को जलाकर राख कर दिया था। और अच्छी बात ये थी कि उस टाइम हम लोग घर में नहीं थे बल्कि अपनी बेस के अंदर थे और शायद यही बात है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज जिंदा हैं। और गाइस हीरो ब्राइन को मैंने ये भी बता दिया कि उस टाइम हमारे घर के अंदर हमारा प्यारा दोस्त जायंट एलेक्स भी था और उन लोगों ने मिलकर उस बेचारे को भी मार डाला। और गाइस मैंने हीरो ब्राइन को कहा कि तुम शुक्रिया अदा करो इन जादूगर साहब का, अगर आज हम यहाँ पे जिंदा हैं तो इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पे खेल के हम लोगों को वहाँ से निकाला था और यहाँ पे लेके आए। तो फाइनली गाइस हीरो ब्राइन ने हम लोगों को कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों के साथ जो भी अत्याचार उन दरिंदों ने किया है उन सब का बदला लिया जाएगा और तुम्हारी सॉर्ड्स भी एंटिटी 606 से हम वापस लेंगे और वो भी आज के आज, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस पता नहीं आज हीरो ब्राइन क्या करने वाला है। लेकिन गाइस दुख वाली बात ये है कि हीरो ब्राइन का भाई जीरो ब्राइन जिंदा तो हो चुका है लेकिन वो बेचारा जिंदा लाश की तरह है और इसीलिए हीरो ब्राइन बेचारा भी बहुत ही दुखी है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में इस जादूगर ने अपने जादू की मदद से हीरो ब्राइन का असली दिमाग निकाल के बिल्कुल वैसा नकली दिमाग एक बना लिया था ताकि वो नकली दिमाग हम लोग हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन के अंदर लगा के उसको जिंदा कर पाए। लेकिन गाइस दिक्कत ये हुई कि वो नकली दिमाग काम नहीं कर रहा और इसीलिए जीरो ब्राइन बेचारा जिंदा तो हो गया लेकिन ना ही तो वो कुछ बोल सकता है और ना ही वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है और ना ही उसको कुछ याद है, बस वो बेचारा एक जिंदा लाश की तरह है। तो इसीलिए गाइस अब हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग अपनी पूरी गैंग लेके जाएं एंटिटी 606 की पूरी गैंग को खत्म करने के लिए और जैसे ही हम लोग एंटिटी 303 और उसके भाई एंटिटी 606 को मार देंगे तो उन दोनों में से किसी ना किसी एक का दिमाग जीरो ब्राइन के अंदर लग सकता है, क्योंकि वो दोनों एक पावरफुल एंटिटीज हैं और जीरो ब्राइन भी एक पावरफुल एंटिटी मोब है। तो देखते हैं क्या करता है आज हीरो ब्राइन। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक सीक्रेट रूम दिखाता हूँ जो हम लोगों ने जीरो ब्राइन के लिए बनाया है, वो इसीलिए कि देखो गाइस इस टाइम तो हम लोग किसी भी कीमत पर जीरो ब्राइन को खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उस बेचारे के पास अपनी पावर्स भी नहीं है और उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा और वो किसी को मार भी नहीं पाएगा और ऊपर से गाइस एंटिटी 606 और नल उसकी जान के प्यासे हैं और वो किसी भी कीमत पर जीरो ब्राइन को मारना चाहते हैं, क्योंकि जीरो ब्राइन हीरो ब्राइन से भी 10 times ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों को पता है कि जैसे ही जीरो ब्राइन जिंदा होगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन गाइस इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड करा है कि पहले तो हम लोग जाएंगे अपनी गैंग लेके उन दरिंदों को खत्म करने के लिए। लेकिन एक मिनट,
जीरो ब्राइन पीछे पीछे हटो। अरे हीरो ब्राइन, तुमने अच्छा किया कि अपने भाई को साथ लाए। हीरो ब्राइन एक काम करो, मैं पहले नीचे जाता हूँ और तुम इसके पीछे आना ताकि ये कहीं गिर ना जाए नीचे आने में। तो गाइस अभी हम इसको इस रूम के अंदर बंद करने वाले हैं और गाइस हीरो ब्राइन बहुत ही दुखी है क्योंकि हमारे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और अभी तक भी आप में से काफी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाले खतरनाक एपिसोड आप लोग देख पाओ और वीडियो को भी लाइक सभी लोग करना ताकि 20,000 लाइक पूरे हो जाएं और हीरो ब्राइन बहुत ही खुश हो जाए। लेकिन गाइस एक मिनट, अभी हीरो ब्राइन इस रूम को बंद करने वाला है और उसके बाद हीरो ब्राइन के बगैर इस रूम को कोई भी नहीं खोल पाएगा क्योंकि यहाँ पर हीरो ब्राइन ने बेड रोक लगाया है। बाप रे बाप, कितनी खतरनाक तरीके से हीरो ब्राइन ऊपर गया था। पता नहीं आज गाइस हीरो ब्राइन क्या करने वाला है। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे अपने दोस्त जाइंट एलेक्स की बहुत याद आ रही है कमेंट में कुछ लिखना। लेकिन एक मिनट, ये जादूगर और हीरो ब्राइन आखिर क्या बातें कर रहे थे? तो फाइनली गाइस इस जादूगर ने अपने जादू की मदद से पता लगा के हीरो ब्राइन को ये बता दिया है कि इस टाइम एंटिटी 606 की गैंग कहाँ पे है और उसके अलावा एंटिटी 606 ने वो सॉर्ड कहाँ पे छुपा रखी है जो वो मुझसे छीन के भाग गया था। देखते हैं गाइस, इस टाइम हम लोग बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहे हैं। अब देखते हैं हीरो ब्राइन उन दरिंदों के साथ क्या करता है। लेकिन मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन हीरो ब्राइन इस टाइम मेरे साथ है। हीरो ब्राइन मेरे दोस्त बात तो सुनो। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं हीरो ब्राइन को कहूँ जब तक तुम्हारा भाई जीरो ब्राइन जिंदा नहीं होता तुम ऐसा करो कि वो जीरो ब्राइन वाली जो रेड वाली सॉर्ड है ना वो मुझे दे दो, क्योंकि देखो गाइस अगर हीरो ब्राइन उन लोगों से लड़ता है तो फिर मुझे भी बराबरी से उसका मुकाबला करना पड़ेगा ना। तो फिर इसके लिए मेरे पास अच्छी सॉर्ड भी होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरी टॉप 3 सॉर्ड तो वो दरिंदा लेके गया था। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आखिर उस जादूगर ने हीरो ब्राइन को कौन सी लोकेशन बताई थी और ये हीरो ब्राइन मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। लेकिन एक मिनट गाइस, यहाँ पर हम लोगों को एक घर दिखाई दिया जो बिल्कुल यूनिक और खतरनाक दिखता है। हीरो ब्राइन इधर आ जाओ, इसके अंदर मत जाना। पता नहीं इसके अंदर गाइस कौन रहता है। हीरो ब्राइन प्लीज तुम अंदर मत जाओ। बाप रे बाप, इतनी सारी चेस्ट। गाइस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम लोगों को फंसाने की प्लानिंग हो कि एक बार कैसे भी करके हीरो ब्राइन इस रूम के अंदर आ जाए और यहाँ पर बाद में हम पर कोई मुसीबत टूट पड़े। लेकिन एक मिनट, ये तो सारी चेस्ट मुझे खाली लग रही हैं। गाइस मुझे तो लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। हीरो ब्राइन मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। पता नहीं मेरा मन बहुत ही उदास हो रहा है। तुम अच्छा यहीं पे रुको, मैं बाहर चेक करके आता हूँ कि आखिर लेकिन एक मिनट गाइस, आप लोगों को कुछ नजर आया यहाँ पे? ये तो होगा लला है। ओ माई गॉड गाइस, एक मिनट, मुझे लगता है कि हमें हीरो ब्राइन को बताना चाहिए। आज हमारे पास मौका बहुत ही अच्छा है इसको लपेटने का और मुझे ये भी लगता है कि ये अपने भाई हुला लला को ढूंढ रहा है। लेकिन ओ बाप रे बाप, लेकिन इसके भाई हुला लला को तो हीरो ब्राइन ने मार दिया था अपने हाथों से क्योंकि हम लोगों को उसका DNA चाहिए था। मुझे लगता है कि अभी हमें हीरो ब्राइन को नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर तो मैं हीरो ब्राइन को बता देता हूँ तो गाइस इसी टाइम एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाएगी और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारा मिशन पूरा नहीं होगा जो हमारी सॉर्ड एंटिटी 60 से। ओ बाप रे बाप, ये कहाँ चला गया? ओ गाइस मुझे लगता है ये भाग गया या फिर अपने भाई को ढूंढ रहा है। हीरो ब्राइन बाहर कुछ नहीं है, मुझे लगता है जैसे मौसम ज्यादा खराब नहीं हमें चलना चाहिए। ओके फाइनली गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा उस लोकेशन के लिए जो उस जादूगर ने हीरो ब्राइन को बताई थी जहाँ पर एंटिटी 606 अपनी पूरी गैंग के साथ रहता है और वहाँ पर हमारी सॉर्ड्स भी हैं। तो फाइनली गाइस एक बहुत ही डरावनी जगह पे हीरो ब्राइन ने मेरे को रुकवाया है। हीरो ब्राइन क्या ये वही जगह है? ओ माई गॉड गाइस, फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो उस जादूगर ने हमें बताई थी। अब हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है और क्या एंटिटी 606 यहाँ पे रहता होगा। देखते हैं आगे। ओ हीरो ब्राइन, कोई लाइट। ओ माई गॉड, ये क्या है बे? भाई साहब ये तो हीरो ब्राइन सीधा सीधा तोड़ रहा है जैसे खुद इसकी जगह हो ये। एक मिनट हीरो ब्राइन बात तो सुनो। ओ अरे बाप रे बाप, ये हम कहाँ पे आ गए हीरो ब्राइन? लेकिन एक मिनट गाइस, यहाँ पे ये देखो मेरा आर्मर भी पूरे तरीके से चेंज हो चुका है और ये मेरी सॉर्ड और मेरे वेपन देखो, इनकी ये शेप कैसे चेंज हो गई। मुझे लगता है इस टाइम हम लोग किसी और दुनिया में आ चुके हैं। हीरो ब्राइन इतने सारे बटन्स,
एक मिनट, इस बटन को, ओ अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो हीरो ब्राइन यहाँ पे देखो, एक रास्ता ओपन हो गया। गाइस मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि ये जगह मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, हीरो ब्राइन ये तो किसी का महल लगता है या फिर किसी की लैब है। थोड़ा संभल के काम लेना क्योंकि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। गाइस इतनी खूबसूरत जगह है और ये मुझे लगता है कि किसी की लैब हो सकती है, NDD-606 की सीक्रेट लैब। हीरो ब्राइन यहाँ पे ये तो देखो, इतने हीरो ब्राइन ये देखो सामने की साइड एक और भी दरवाजा है। और गाइस मुझे हीरो ब्राइन की एक सीक्रेट बात पता चली है, मुझे जिन ने बताया था कि हीरो ब्राइन, एक मिनट, अरे बाप रे बाप, हीरो ब्राइन वहां पे देखो इतने सारे पोशन। ओह हीरो ब्राइन थोड़ा पीछे हटो, NDD-606 लगता है उस जादूगर ने तुम्हें सही वाली लोकेशन दी थी और हमारी स्वॉर्ड्स भी अब यहीं पे होंगी। थोड़ा पीछे हटो हीरो ब्राइन, प्लीज प्लीज अभी कुछ मत करना, पहले हमें वो स्वॉर्ड लेने दो, उसके बाद हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब कितनी खतरनाक है ना। लेकिन गाइस आप लोगों ने भी एक बात नोट करी कि NDD-606 की स्वॉर्ड का कलर भी चेंज। ओ हीरो ब्राइन वो देखो, एक एक मिनट हीरो ब्राइन संभल के, कहीं ये वापस बाहर ना आ जाए। मुझे लगता है यहाँ पर ये अंदर जाने की जगह थी। और बाप रे बाप इतने सारे खतरनाक पोशंस, भाई साहब कैसे हो? अरे गाइस ये क्या, ये मैं पोशन उठाता हूँ लेकिन ये मेरी इन्वेंटरी में आ ही नहीं रहे। भाई लगता है ये कोई जादुई पोशंस है और ये कोई नॉर्मल नहीं है। एक मिनट अभी इनको रहने देते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये NDD-606 आखिर नीचे क्या करने गया और नीचे क्या है। हीरो ब्राइन रुको आराम से, हीरो ब्राइन, ओ बाप रे बाप, ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, ये तो सन चीफ है। गाइस ये एक मोब है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हीरो ब्राइन एक शॉट मुझे दे दो प्लीज, हीरो ब्राइन मेरे पास, ओ फाइनली गाइस हीरो ब्राइन ने मुझे अपनी शॉट दे दी है, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस मुझे तो लगता है कि ये NDD-606 की आर्मी है क्योंकि यहाँ और आगे जाने का एक रास्ता भी है और मुझे लगता है कि उसने इसलिए इन लोगों को यहाँ पे स्पॉन करा होगा ताकि उसके पास अंदर कोई ना आ पाए। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन अभी तो मेरे हार्ट्स भी जा रहे थे काफी तेजी से। एक मिनट मैंने अपनी हील की, लेकिन अभी मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हीरो ब्राइन इन संजीव को तुम मारो। ओ भाई साहब हीरो ब्राइन गुस्से में आ चुका है, दोनों संजीव को अपनी लाइटिंग पावर मार रहा है लेकिन उनको असर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक मिनट लगता है ये लोग उनकी हेल्थ फुल कर रहे हैं, सबसे पहले इन लोगों को टपकाना पड़ेगा उसके बाद उनकी हेल्थ जाएगी। एक एक सेकेंड ये रहा, सबसे पहले तो इसको अरे बाप रे बाप बहुत ही डर, अरे बाप रे लगता है इसको गुस्सा आ चुका। हीरो ब्राइन ऊपर से मारो इसको पावर, हाँ गई क्या हीरो ब्राइन, थोड़ा जोर लगाओ यार, बाप रे कितनी खतरनाक पावर थी ना इसके पास। फाइनली हीरो ब्राइन थोड़ा और, फाइनली गाइस एक को तो हमने मार दिया लेकिन अभी दूसरा जिंदा है। और गाइस हीरो ब्राइन भी इस टाइम बहुत ही गुस्से में आ चुका है और मुझे लगता है दूसरे वाला संजीव भी बहुत गुस्से में है। अब देखना ये है कि हीरो ब्राइन इसको लपेट पाता है कि नहीं, क्योंकि ओ भाई साहब वो देखो कितनी खतरनाक पावर है ना। और हीरो ब्राइन भी नहीं, ओ फाइनली भाई साहब हीरो ब्राइन ने एक दो शॉट में ही उसको खत्म कर दिया। मुझे लगता है जब हीरो ब्राइन गुस्से में आता है तो उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाती हैं। बस बस हीरो ब्राइन गुस्सा मत करो, वैसे कितनी अच्छा होता ना तुम कुछ दिनों के लिए जीरो ब्राइन की शॉट मुझे दे देते जब तक जीरो ब्राइन होश में नहीं आता, मतलब वो ठीक नहीं होता। लेकिन अब क्या करें भाई, हीरो ब्राइन कहता है कि मैं वो शॉट किसी को नहीं दूंगा, पता नहीं ऐसा क्या है उसके। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन मैं कैसे आऊंगा, बात तो सुनो हीरो। ओ भाई लगता है आगे जाना पड़ेगा, लेकिन हीरो ब्राइन भी मेरे को बुला रहा है, लगता है कोई स्पेशल बात होगी। लेकिन अब मुझे कैसे भी करके इस पार्क कोर को आराम से और साफ, हीरो ब्राइन रुको प्लीज, हीरो ब्राइन प्लीज मैं अकेला कैसे आऊंगा। गाइस एक तो हीरो ब्राइन बहुत ही जल्दबाजी करता है, लेकिन अब मुझे आराम आराम से, मैं जल्दी में तो जा रहा हूँ, नीचे बहुत ही खतरनाक लावा है। हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन पता नहीं गाइस ये हीरो ब्राइन रुको रुको आराम से, ये न्यू जगह, अरे बाप रे बाप ये कितनी खतरनाक जगह है ना। और गाइस हीरो ब्राइन प्लीज प्लीज अभी कुछ मत करना, ये नल था गाइस, ये नल है। इसका मतलब उस जादूगर ने हीरो ब्राइन को सही लोकेशन बताई थी कि इस लोकेशन पे NDD-606 की पूरी गैंग है। और एक मिनट लगता है गाइस हीरो ब्राइन आज इन लोगों को नहीं छोड़ेगा क्योंकि हीरो ब्राइन जिंदा होने के बाद बहुत ही गुस्से में था। लेकिन नल तो सामने वाले रूम, ओ
भाई साहब मैं भी सोचू कि हीरो ब्राइन आखिर इस रूम में क्यों आया था। एक मिनट, मुझे हीरो ब्राइन को अभी डिस्टर्ब नहीं करना, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक और रूम है और यहाँ पर भी एक पेंटिंग टाइप को चित्र लगी हुई है। एक मिनट भाई, मुझे लगता है कि ये इसी लैब में कोई जगह होगी, पता नहीं कोई खजाना तो नहीं। भाई साहब एक मिनट, अब मुझे लगता है कि भाई इतनी सारी बोतलें। एक मिनट, लेकिन ये नल सामने वाले रूम में आकर क्या करने जा रहा था। एक मिनट, आराम से, ओ वो रहा गाइस नल, ओ साथ में एंटिटी 606 भी है। ओ माय गॉड गाइस, लगता है हीरो ब्राइन को बताना पड़ेगा। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन यहाँ पे बात सुनो जल्दी, वहाँ पर देखो एंटिटी 606 और नल एक ही रूम में है, पर पता नहीं यहाँ पर उन्होंने क्या छुपा रखा है। हीरो ब्राइन तुम थोड़ा पीछे आओ प्लीज, प्लीज अभी अंदर मत जाना इनसे लड़ने के लिए, पहले वहाँ पर सामने की साइड मुझे लगता है कुछ वेपन्स भी हैं यहाँ पे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाली सोर्ड भी एंटिटी 606 ने यहाँ पे आके रखी हो। और ओ भाई ये कैसी सोर्ड है, और उसके पीछे देखो कितनी सारी कत। हीरो ब्राइन क्या तुम इन लोगों से लड़ पाओगे अकेले। ओ भाई साहब, हीरो ब्राइन का कहना है कि हाँ, लेकिन ये हीरो ब्राइन के पास ये पावर्स कब आई, लगता है ये पावर जीरो ब्राइन की है। एक एक मिनट हीरो ब्राइन तुम यहाँ पे आओ, मुझे लगता है गाइस हीरो ब्राइन गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और फाइनली गाइस हीरो ब्राइन ने मेरे को बताया कि मैं जीरो ब्राइन की सॉर्ड तुम्हें इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये एक एंटिटी मोब यूज कर सकता है और इसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। अभी आपने देखा था ना हीरो ब्राइन का जो राइट वाला हैंड है वो देखो, रेड वाली पावर, ये इसी सॉर्ड की वजह से है और इसमें और भी बहुत सारी पावर्स है। गाइस हीरो ब्राइन पूरे तरीके से तैयार हो चुका है उन लोगों से लड़ने के लिए, और हीरो ब्राइन का कहना है मैं उन दरिंदों को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई थी हम लोगों के घर पे हमला करने।